Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. So today is our fourth lecture in the series Knowing Numbers. That is the first chapter of our 6th class mathematics. So without any further delay, I would like to start with my lecture. But please do like, share and subscribe my channel. And please watch it as an ordinary class and not as a lecture. So I would like to start with my lecture. So हमने अपनी last class के अंदर discuss करा था about the 5 digit number and the 6 digit number. जो हमने डिराइव करे थे एक पैटर्न से कि हम जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है पिछले नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर का, उसमें अगर हम एक वन ऐड कर दे तो फिर हमें नेक्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है. जैसे अगर मेरे पास स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 0 है और ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर 9 है, तो मैं अगर उसमें 1 ऐड करूं तो मुझे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिलता है जो 10 है. ऐसे इस पैटर्न को फॉलो कर हम गए थे 6 डिजिट नंबर्स तक. लेकिन हमें एक कंसेप्ट इन्फिनिटी का हमारे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर है, इसीलिए नाउ आई एम skipping here 3, 4 and 5 because we know that here I will directly write smallest 6 digit number. What will be that? 1 lakh. Hai na? And the greatest 6 digit number. Greatest 6 digit number. 9,99,999. Hai na? Yehi hoga. And now अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं तो क्या कोई मुझे मना कर सकता है? नहीं, कोई नहीं मना कर सकता, क्योंकि नंबर्स आर इनफाइनाइट, है ना. सो आई विल देन हमारे पास क्या आया, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. 7 डिजिट नंबर जिस चीज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ये 7 डिजिट नंबर्स. So let me erase this. So here we are with 7 digit numbers. 7 digit numbers मतलब जिन numbers के अंदर 7 digits होते हैं, इनका जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये 1 और उसके आगे 6 जीरोस. और लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर होता है उतने 9 लगाने होते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज आवर लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर. अब जैसा कि हमने देखा था कि 5 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स सबके यूनिक नेम होते हैं, वैसे ही 7 डिजिट नंबर का भी एक यूनिक नेम है जिसे हम कहते हैं 10 लाख. प्लेस वैल्यू चार्ट में हम 7 डिजिट नंबर्स को 10 लाख के अंदर काउंट करते हैं, ओके. और हम ऐसा क्यों कहते हैं, जैसे हमने 10,000 करा था, बिकॉज वी कैन राइट इट एज 10 into 1 lakh. हम इसे 10 into 1 lakh भी लिख सकते हैं. That is why we call it as 10 lakhs. So let us now revisit its place value chart. Place value chart में क्या आएगा? Zero, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh. That we denote by TL. 10 lakhs. So now if I write the smallest number 10 lakh below it, aise ban jayega. And the largest number 9 9 9 9 9 9 and 1 9, ye hai hamara largest 7 digit number. Now how do we read them? Reading mein bahut important aspect hota hai. जैसे हमने डिस्कस करा है कि स्मॉलेस्ट नंबर, इसको तो हम 10 लाख ही पढ़ेंगे, वी विल रीड इट एज
10 लैक्स ओनली। अब जो ये है इसे हम कैसे रीड करेंगे, जैसे हमने 10,000 को रीड करा था, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 डिजिट्स का एक पार्ट बनाया, फिर 2 डिजिट्स का एक पार्ट, फिर 2 डिजिट्स का एक पार्ट, और यही इसी रीड के इसको इसी रीडिंग को इजी करने के लिए हमारे पास कॉमास भी यूज करते हैं हम, जिसके बारे में हम आज ही के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। सो हाउ डू वी रीड देम, इसे हम पढ़ेंगे 90, क्योंकि हमने इसे एक सिंगल एंटिटी माना है। दिस टू डिजिट्स वी विल थिंक ऑफ एज अ टू डिजिट नंबर। तो ये क्या होगा 99, ये किसके अंदर लाई कर रहा है, लैक्स के अंदर। सो 99 लैक्स, ये है दोबारा से 99, ये किसके अंदर लाई कर रहा है, थाउजेंड्स के उसमें। सो 99 लैक्स 99,000, ये तो हमें बचपन से ही आता है, 999, हम इन्हें ऐसे रीड करते हैं। नाउ इफ आई राइट अ रैंडम वैल्यू, टेल मी इट्स अल्फाबेटिकल, हम इन्हें लेटर्स में कैसे लिखेंगे, नेम द न्यूमेरिकल। सिंपल है, हम इसे पहले 3 के एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर 2 के एक पार्ट में, फिर 2 के एक पार्ट में। यहाँ पर यह है 21, ये लैक्स के अंदर लाया करता है, तो 21 लैक्स। यह है 47, ये थाउजेंड्स के अंदर लाया करता है, सो 47,000। ये है 485, ये तो हमें बोलना ही आता है, सो 21,47,485। वी विल स्पीक दिस वैल्यू लाइक दिस, ओके। सो नाउ इफ यू आर क्लियर विद दिस, वी विल जस्ट हैव स्मॉल डिस्कशन अबाउट इट्स एक्सपेंशन। सो हमने लैक्स तक तो एक्सपेंशन कर ली थी, सो नो नीड टू गो बैक ऑन दैट डिस्कशन। नाउ आई विल सिंपली टेल कि जो 2 लैक्स के अंदर डिजिट होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, उसकी एक्सपेंशन क्या होती है। वो सिंपल होता है, फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू कितनी है, 10 लैक्स, ओके। दिस इज हाउ वी राइट द एक्सपेंशन ऑफ द डिजिट एट द टेंस ऑफ द 10 लैक्स प्लेस वैल्यू। So now, if you are clear with 7-digit numbers, now, as I told you, we will discuss till 9-digit numbers, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important होते हैं। उसके बाद के अगर आपको नहीं भी पता होंगे तो भी कुछ major problem नहीं आती। Now, we are going to discuss about 8-digit numbers, और ये कैसे आए, वैसे ही अपना pattern follow करके जो हम पहले से ही कर रहे थे। स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर हमारे पास 10 लाख आ गया, और ग्रेटेस्ट अभी हमने डिस्कस करा था 99,99,999, ओके। नाउ अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड करूं तो क्या कोई मुझे गलत बोल सकता है, नहीं बोल सकता, क्योंकि नंबर्स आर इनफाइनाइट। देन आई विल गेट द स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर, जो क्या होगा 1 और उसके पीछे 7 जीरोस। दिस इज द 8-डिजिट नंबर्स। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट 8-डिजिट नंबर। और हमने हर एक नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर को एक यूनिक नेम दिया, सो दिस मीन्स कि हमने इसको भी एक यूनिक नेम दिया होगा। नाउ व्हाट इज दैट यूनिक नेम, इसे हम बोलते हैं क्रोर्स या करोड्स, ओके। सो दीज वी कॉल एज करोड्स, ये इसका नेम है। अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 8 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is the greatest 8 digit number. Now let us again revisit the place value chart. So here we have ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, and now we come to crores. Hum agar smallest number ko likhenge to kaise likhenge, aise largest ko
नाउ हाउ डू वी रीड इट, हम इन्हें रीड कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हमने 10 लाख को रीड करने का ईज फाइंड आउट करा है। पहले हम इसे तीन के एक सेट में डिवाइड करेंगे, फिर आगे चलकर दो दो के सेट में, एंड रिमेंबर ऑलवेज डिवाइडेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नेवर डिवाइडेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ऑलवेज डिवाइडेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पर ये अकेला बच गया तो हम इसे अकेले ही पढ़ेंगे। तो नाउ दिस 9 लाइज अंडर करोड़, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 9 करोड़, देन ये 99 लाख के अंदर लाई कर रहा है, 99 लाख, देन दिस 99 कम्स अंडर द थाउजेंड्स, देन इट इज 99,000 एंड दिस इज 999। अगर हम सबको मर्ज कर दे तो क्या आएगा, 9 करोड़ 99 लाख 999। दिस इज हाउ वी विल कॉल। Now let us again go back to this decimal expansion. I will give you a random value and you have to tell me its name. Tell me how we will call it alphabetically. So हम इसको पहले ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर इस दो पार्ट में, फिर इस दो पार्ट में, और फिर ये अकेला रह गया। ये क्या है 2, दिस इज 2 करोड़, ये 81 है, लाख के अंदर लाया कर रहा है 81 लाख, ये 4 है, सो 4754, दिस इज हाउ वी विल नेम इट। सो अगर हम सबको मर्ज कर दें तो 2 करोड़ 81 लाख 4754, इट इज इट्स अल्फाबेटिकल नेम। Now, if we go on to expansion, हमने 10 lakhs तक की तो expansion पहले discuss कर ली है, now we are left with only crores, crores को हम कैसे लिखेंगे, face value into its place value, this is how we will write crores, no, yeah, now it's right, this is how we will write the expansion of crores. Now, we come to our last number of digits number, जो हमें इन डिटेल डिस्कस करना है। सो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, 9 टाइम्स 8, 8 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं, सो अगेन वी विल गेट द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर जिसे हम लिखते हैं 1 और उसके पीछे 80। दिस हाउ वी राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 9 डिजिट नंबर्स। सो हियर वी आर विद 9 डिजिट नंबर्स जिन्हें हम लिखेंगे ऐसे। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज दिस 1 और उसके पीछे 8 जीरोस, एंड व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट 9 टाइम्स 9, दिस इज द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर 9 टाइम्स 9। नाउ व्हाट डू वी कॉल दिस प्लेस वैल्यू, हम इस प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज 10 करोड़। इस प्लेस वैल्यू को हम बोलते हैं 10 करोड़, और हम इसे ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 10 इंटू 1 करोड़। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 10 इंटू 1 करोड़, इसलिए हम इसे बोलते हैं 10 करोड़। नाउ लेट अस अगेन गो बैक टू आवर प्लेस वैल्यू चार्ट, 0, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakh crore, and now 10 crore TC. Now if I write the smallest number, it would be like this. And now if I write the largest number, it would be like this. So how do we read it? हम इसे read कैसे करेंगे? वही pattern. पहले 3 digits. फिर दो, फिर दो, फिर दो, ऐसे पहले 3 का सेट, फिर 2 का सेट, फिर 2 का सेट, फिर 2 का सेट, ऐसे इन्हें सेट्स में डिवाइड कर दो, देन
this turns out to be 99, ये करोड़ के अंदर आया, so 99 करोड़, this comes out under lakhs, so 99 lakh, then 99,000, then 999, this is how we will call it, 99 crores, 99 lakh, 99,999, so now I will give you a random value and you have to tell me how we will name it up. Tell me how we will name it. Give it a try. Okay. So how we will do it? पहले हमने इसे तीन के सेट में डिवाइड करा, फिर दो के और फिर अगेन दो के. Now this 41 lies under the crore, this 57 under lakhs, this lies under 1008 and this 423 is how we call it. अगर हम सबको मर्ज कर दें so what will we get? 41 lakh, 41 crores, 57 lakh, 8423. This is how we will do it. Okay, clear with it? So now we are clear with very 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 large numbers. Hum ab bahut zyada bade large numbers ke bare mein discussion kar chuke hain. Now after this discussion about numbers, we are ready to go on to our next topic, that is systems of numeration. वैसे आपकी एनसीईआरटी के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बहुत कम दिया हुआ है, बस एक ब्लू बॉक्स के अंदर, लेकिन हम इसे यहाँ पर बड़े अच्छे से समझेंगे क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो नाउ वी आर विद सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन. और बेसिकली हम सिर्फ दो सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज द इंडियन वन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. So first we will discuss about the Indian system of numeration and then we will go on to the international system of numeration. So Indian system of numeration क्या कहते हैं? Indian system of numeration के अंदर क्या values होती हैं? जो अभी हमने discuss करा है, zero, tens, hundreds, thousands, ten thousands, lakh, ten lakh, crores and ten crores. ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. दिस इज आवर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. और हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, इसके अंदर डिजिट्स तो उतने ही रहते हैं, बस हमने उनकी नेमिंग चेंज कर दी. पहले हमारे पास है जीरो, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, देन वी हैव थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, यहां तक सेम है. उसके बाद हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं कि हमारे पास इतने सारे अलग अलग यूनिक टाइप ऑफ वैल्यूज हो, लैक्स, करोड़, उन्होंने करा कि हम 100,000 रख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये बेसिक वैल्यूज हैं, हंड्रेड, टेंस और वंस. वंस के साथ हमने 1000 ले लिया, फिर टेंस के साथ ले, तो अब हंड्रेड के साथ भी ले लेते हैं. देन उन्होंने रखा मिलियंस, जो आपने काफी बार न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर पढ़ा होगा अगर आप पढ़ते हो, मिलियंस. Then we have 10 million and then we have 100 million. Okay, and these all coincide with the values that I have written above with the Indian system of numeration. So ones is equal to ones, tens is equal to tens, hundreds is equal to hundreds, thousand is equal to thousand, 10,000 is equal to 10,000. Now, अगर हम लिखते हैं 200,000 या हम लिखते हैं 2 lakhs. These both are equal. ये दोनों एक ही चीज डिनोट कर रहे हैं, बस ये अलग अलग सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन है. Then we have 10 lakh, that shows 1 million. So if I write 3 million और 3 lakhs, दोनों और 30 lakhs, दोनों सेम चीज है, बस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन चेंज हो गया. एंड एक चीज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बीच में मिस आउट कर चुके हैं, क्या है वो? सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है भाई? हमें पहले वो भी तो समझ में आए, तभी तो हम आगे का डिस्कशन करें. सो लेट अस नाउ कंटिन्यू. व्हाट इज सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? व्हाट इज न्यूमरेशन? न्यूमरेशन क्या होता है?
नंबर्स को नेम करना, नंबर्स को अल्फाबेटिकली नेम करना उसे कहते हैं न्यूमरेशन। और सिस्टम्स, सिस्टम मतलब अलग अलग तरीके से। सो इन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी स्टडी अबाउट कि हम कैसे नंबर्स को अलग अलग तरीके से नेम करते हैं, दैट इज सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। नाउ करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस एंड 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस। ओके, आर यू क्लियर? एंड हमारे पास करोड़, 10 करोड़ और 100 मिलियन से भी ऊपर की वैल्यूज होती हैं। आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट देम, मैं बस उनके नाम नाम बताऊंगा, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फिर आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे वो आगे जाके सीनियर क्लास में भी नहीं, बट फॉर योर जनरल नॉलेज यू कैन कीप देम विद यू। सो इन इंडियन सिस्टम आफ्टर 10 करोड़, आई एम कंटिन्यूइंग टू वर्क हियर, आफ्टर 10 करोड़ वी हैव अरब दैट वी राइट बाय ए, उसके बाद आता है हमारे पास 10 अरब, देन वी हैव खरब, देन 10 खरब, देन नील, देन 10 नील, देन वी हैव पद्मा, पी ए डी एम ए पद्मा, देन 10 पद्मा, एंड द लास्ट इज शंख एंड महाशंख, महाशंख, शंख एंड महाशंख। सो दिस इज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम यहीं तक जाते हैं, इसके बाद भी डिजिट्स होते हैं, आप जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आप एक नंबर लिख सकते हो, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमने, चलो महाशंख तक ही रखते हैं इसे, उसके बाद अगर वो महाशंख कितने डिजिट्स का हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 डिजिट्स का नंबर महाशंख कहलाएगा। अगर हमने लिखा है एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा नंबर जो 2 है और उसके पीछे 18 जीरोज है, तो दैट विल बी 2 महाशंख। लेकिन अब मैं अगर उसके पीछे 19 जीरोज लगा दूं, तो सिंपली वी कैन से इट एज 20 महाशंख। ऐसे कर करके हम कितनी भी वैल्यूज बना सकते हैं। सो वी बेसिकली डिस्कस अबाउट दिस मच ओनली। तो यहाँ पर इन इंटरनेशनल सिस्टम आफ्टर 100 मिलियन वी हैव ट्रिलियन, देन वी हैव 10 ट्रिलियन, देन वी हैव 100 ट्रिलियन, ओके, देन वी हैव क्विंटिलियन, क्विंटिलियन आ जाता है, देन 10 क्विंटिलियन, देन 100 क्विंटिलियन, आफ्टर दैट वी हैव क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, देन वी हैव 10 क्वाड्रिलियन एंड 100 क्वाड्रिलियन। इसके बाद भी वैल्यूज होती हैं, लेकिन वी विल नॉट डिस्कस, वी विल नॉट गो इन सो मच डिटेल कि हमारा दिमाग ही खराब हो जाए। सो वी विल स्टे टिल हियर ओनली। सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वो ज़्यादातर सिर्फ इंडिया में यूज होता है। अगर आप कहीं अब्रॉड जाते हो, वहाँ पर ज़्यादातर लोग मिलियंस, ट्रिलियंस में बात करते हैं, 100,000, क्योंकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंडियन सिस्टम में भी आप बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल सिस्टम एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम। सो आफ्टर दिस डिस्कशन अबाउट सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन, देन वी विल गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एज आई शोड यू कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, जैसे ये, अगर मुझे इसे पढ़ना है तो फिर क्या मैं हर बार इसे डिजिट्स काउंट करने बैठूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अच्छा तो इसमें 12 डिजिट्स हैं, तो ये कहां पर लाया करेगा, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, तो मैं इसे बोलूंगा 20 खरब। अब ऐसे अगर मैं काउंट करने लगूंगा तो अगर मैं इससे भी ज्यादा बड़े बड़े नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर लिखूं फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हमने अपनी काउंटिंग को आसान बनाने के लिए
एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी कि हम कॉमा लगा लेते हैं बीच में ताकि हमें काउंटिंग में आसानी हो. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर हमें एक अगर हमें ये काउंट करना अगर मुझे ये वैल्यू काउंट करनी है तो फिर हम कैसे करेंगे. पहले एक 3 का सेट बनाया फिर 2 का सेट बनाया फिर 2 का सेट बनाया फिर 2 का सेट बनाया. अगर मैं चाहता तो आपको मैं सिंपली भी बोल सकता था कि आप सीधा काउंट करो कि इसके अंदर कितने डिजिट हैं उसके हिसाब से लिख दो. लेकिन मैंने आपको ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए दी ताकि आपको कॉमास की एक नीड समझ में आए कि कॉमास हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. और हम कॉमास लगाते भी ऐसे ही हैं. जैसे अगर मैंने इसके बीच में कॉमास लगाने हैं तो मैं कॉमा कैसे लगाऊंगा. मैं पहले 3 का सेट बनाऊंगा उसके बाद 2 के सेट बनाते जाऊंगा. दिस इज हाउ वी पुट कॉमा इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. और ये कॉमा हमें कैसे हेल्प करेगा. अगर मैंने आपको ये सिंपली ये वैल्यू लिख दी तो फिर आप देख के पहली बार में आप थोड़ा डर जाओगे कि इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है. लेकिन अगर मैंने ऐसे कॉमा लगा दिए तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे. आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर 3 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है. आप देखोगे 110 वंस वाला है ये 1000 का है लाख का है ये करोड़ का है ये 10 करोड़ आ गए. सिंपली इतनी जल्दी कर लिया आपने. इतनी ज्यादा आपको यहाँ पर स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी. आप यहाँ पर ये नंबर देख के डरे ही नहीं. दिस इज वाई वी यूज कॉमा. ओके अब जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसके अंदर एक अलग तरीके से कॉमा लगते हैं. सो लेट मी टेक दिस नंबर ओनली अगेन. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम हर एक को 3-3 के सेट में बनाते हैं. हर एक उसको यहाँ पर 3-3 के सेट बनेंगे. 215 अलग से सेट बनेगा 2. सो हम इसे कैसे बोलेंगे 215,749,789. We will speak it like this. और इसके अंदर हम कॉमा कैसे लगाएंगे. जैसे जैसे हमने सेट बनाया है उसी हिसाब से हम कॉमा लगाते जाएंगे. नाउ अगर मैं आपको एकदम से ये वैल्यू दिखाता बिना ऐसे सेट्स बनाए या बिना ऐसे कॉमा लगाए तो आप थोड़ा सा डर जाते कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है. नाउ अगर मैंने कॉमा लगा दी तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे. आप देखोगे कि हाँ मुझे यहाँ पर आसानी हो रही है पढ़ने में. ओके सो दिस इज द नीड फॉर कॉमास. दिस इज वाई वी यूज कॉमास. नाउ और हाँ कॉमा हमें एक और हेल्प देते हैं. नाउ अगर मैंने ये नंबर ऐसे लिख दिया और मैंने कहा आप इसे नेम करो तो फिर आपको पहले पूछना पड़ेगा कि मैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नेम करूँ या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में. इन विच सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन डू आई नेम इट. आपको ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होगी. लेकिन अगर मैंने आपको ये नंबर ऐसे कॉमा लगा के दिया आप समझ जाओगे कि मैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात कर रहा हूँ. आप फटाफट से बोल दोगे कि 21,57,49,789. और अगर मैं आपको इस तरीके से कॉमा लगा के दूँ आप समझ जाओगे कि मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर नेम करके दें मुझे. आप बड़ी जल्दी बोलोगे 215,749,789. दिस विल बी योर आंसर इन जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड. नाउ आई विल गिव यू 2-3 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू. फर्स्ट क्वेश्चन आई विल राइट अ नंबर. आप मुझे इसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नेम करो. आप मुझे इसका नेम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में बताओ. हालांकि मैंने इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा है आप मुझे इसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नेम करके बताओ. और आप मुझे इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नेम करके बताओ. ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होगा.
ओके, सो दिस यू हैव टू डू, और अगर आपने ये कर लिया सो आई विल बिलीव कि आपके जो ये वाले कंसेप्ट्स हैं सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और ये यूजेज ऑफ कॉमा, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है. ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर वी विल डू दिस मच ओनली, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट लार्ज क्वांटिटीज इन प्रैक्टिकल यूज एंड एस्टिमेशन. एस्टिमेशन का एक जनरल सा ओवरव्यू ले पाएंगे, लेकिन हम उसको अपने सिक्स्थ लेक्चर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, हैव अ गुड डे.